गुड इवनिंग गाइज, मैं हूँ दीपाली पटेल, एंजल दीप पटेल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज हम बनाएंगे कॉर्न भजिया। तो उसके लिए हमें एक कॉर्न लगेगा और हम ये कॉर्न जो है वो बॉईल करके लिया है, एक कॉर्न है पूरा। बॉईल करने के बाद इसके जो दाने हैं ये आपको निकाल लेने हैं सारे। उसके बाद आपको मिक्सी में इसको पीस के लेना है। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे पीस के लेना है। कॉर्न पकौड़े के लिए हमें ये कॉर्न बॉईल किए हुए छीले हैं, एक कॉर्न लिया था हमने और उसका वो जो बॉईल किया हुआ कॉर्न है वो हमने छील के ऐसे उसके दाने निकाले हैं। उसके बाद हमें सामान साहित्य में क्या क्या चाहिए कॉर्न पकौड़े के लिए मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा धनिया चाहिए, इसके बाद दो मिर्च चाहिए आपको, ये जो है वो राइस फ्लावर है, मतलब ये जो राइस है अपना जो हम लोग खाते हैं राइस उसका पाउडर मैंने लिया है 2 चम्मच। उसके बाद 3 चम्मच बेसन है। उसके बाद ये मिर्ची पाउडर है, ये थोड़ा अजवाइन है, ये थोड़ा सा जीरा है और ये नमक। तो चलिए हम रेसिपी को शुरुआत करते हैं। पहले तो मैंने ये मिक्सी जार लिया है, हम इसमें पूरा कॉर्न हम डाल के लेते हैं। मिक्सी जार में हम पहले कॉर्न जो है वो पूरा ऐड कर लेते हैं। आपकी क्वांटिटी कितनी है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ये जो कॉर्न लिया है वो एक पूरा लिया है, तो मेरी मिक्सी में तो बैठ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 2 मिर्च। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है, हमें ये जीरा। उसके बाद ये अजवाइन ऐड करना है, देन जो मिर्ची पाउडर है वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, लेकिन आपको जो पीसना है वो दरदरा पीसना है, इतना ज़्यादा बड़ा पीसना नहीं है जो पेस्ट हो सके। देखिए हमने मिक्सी में ये डाल के पीस लिया है और ये देखिए एकदम दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, जो हमने ये पेस्ट बनाई है उसको एक आप कोई भी कंटेनर ले लीजिए और उसमें से निकाल लीजिए। ये देखिए ये पेस्ट हमने निकाल के ली है। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हमें इसमें चावल काटा डालना है और इसमें आपको डालना है थोड़ा सा बेसन और इसको आपको अच्छे से मिक्स करके लेना है। आपको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो चावल काटा है और जो बेसन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। चाहे तो आप हाथों से यूज कर सकते हैं, बट मैं चम्मच से कर रही हूँ, चम्मच से भी बहुत अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें डालेंगे नमक। इसको अच्छे से भी वापस मिक्स करना है। इसमें धनिया डालना है, वापस अच्छे से मिक्स करके दे दीजिए। धनिया से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट में भी धनिया बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसको ऐसे ही 10 मिनट रखेंगे ताकि हमारा जो बेसन है वो अच्छे से उसको लग जाए। इसके लिए 10 मिनट हम लोग ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। चलिए 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट हम लोग इसको रेस्ट करके रखते हैं, तब तक हम लोग क्या करेंगे, गैस हम लोग चलाएंगे और उस पर हम हमारा जो तेल है कढ़ाई का वो गर्म करने के लिए रख देंगे ताकि हमारी जो तेल है वो मीडियम आंच तक गर्म हो जाए। तो गैस तेल हमारा गर्म हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें जो हमने ये वड़े बनाए हैं, कॉर्न भजी बनाई है ये टिक्की, तो हम इसमें अभी फ्राई करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तेल बहुत ही गर्म है गाइस, तब धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। चार वड़े मैंने छोड़ दिए इसमें। अब इसको आप थोड़ा थोड़ा इसे तेल डाल दीजिएगा ऊपर से ताकि वो नीचे चिपक ना जाए। नीचे तो चिपक नहीं रहा है, बट आप ऐसे ऊपर से तेल डाल दीजिए ताकि वो
चिपक नहीं जाना चाहिए इसके लिए। तो एक दो मिनट ऐसे हम लोग उसको फ्राई करेंगे, फिर हम उसको अभी उल्टा कर देंगे ताकि इधर से भी फ्राई होने के लिए। और इसको हमें अभी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। कैसे गोल्डन ब्राउन हो रही है सी, इसको थोड़ा सा ऐसे पलट कर दीजिए ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। हमारा जो कॉर्न भजी है वो अभी रेडी हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। सारी कॉर्न भजियाँ हो चुकी है, देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए।